हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसिन गुरुकुल में। आज के इस वीडियो में हम नींद की टैबलेट्स के बारे में बात करेंगे कि नींद की टैबलेट डॉक्टर द्वारा कब दी जाती हैं और नींद की टैबलेट खाना हमारे लिए कितना सही है और कितना गलत, क्योंकि ये एक ऐसी टैबलेट है जो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बिकती है और काफ़ी ज़्यादा लोग इन टैबलेटों के नशे करते हैं। आज के दौर में ये नींद की टैबलेट काफ़ी लोग खाते हैं और इनके नफे करते हैं, तो आज इसी के ऊपर बात करेंगे कि ये नींद की टैबलेट हमको खाना चाहिए और कि नहीं। नींद की टैबलेट डॉक्टर द्वारा कब दी जाती है? देखिए, नींद की टैबलेट डॉक्टर द्वारा तब रिकमेंड की जाती है जब पेशेंट को उलझन हो रही होती है या घबराहट हो रही होती है, उसको चक्कर के साथ साथ उलझन घबराहट हो रही है, तो ऐसे केस में डॉक्टर नींद की टैबलेट प्रिस्क्राइब करता है। या फिर किसी व्यक्ति की सर्जरी हुई है और उसको खांसी या जैसी समस्या है, तो उस केस में डॉक्टर ये नींद की टैबलेट देता है जिससे व्यक्ति आराम से सो सके और सर्जरी के प्रोसेस में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। या फिर किसी पेशेंट की काफ़ी ज़्यादा दवाइयाँ चल रही हैं जिसकी वजह से उसको उलझन होती है और नींद नहीं आती है, तो उस केस में डॉक्टर मेडिसिन के साथ एक स्लीपिंग टैबलेट ऐड कर देते हैं जिससे व्यक्ति आराम से सो सके और दवाइयाँ अपना वर्क अच्छे से कर सकें, तब उस केस में डॉक्टर ये नींद की टैबलेट देता है। बढ़ती एज के साथ साथ व्यक्ति को नींद कम आती है, तब डॉक्टर उन पेशेंटों को यह एक टैबलेट 0.25 mg की, कम से कम mg की रिकमेंड करता है जिससे व्यक्ति आराम से सो सके और वह स्वस्थ रहे। या फिर व्यक्ति की चोट लगी है जिसमें असहनीय दर्द हो रहा है, तब उस केस में डॉक्टर पेन किलर टैबलेट के साथ यह एक स्लीपिंग टैबलेट देता है जिससे व्यक्ति का दर्द रुक सके और वह अच्छे से सो सके और वह रिलैक्स फील करे। कभी कभी माइग्रेन के दर्द में भी डॉक्टर स्लीपिंग टैबलेट्स ऐड करते हैं, क्योंकि माइग्रेन का दर्द काफ़ी तेज़ दर्द होता है और जिसमें व्यक्ति को काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तब डॉक्टर ये स्लीपिंग टैबलेट्स ऐड करते हैं। स्लीपिंग टैबलेट डॉक्टर कोई ना कोई प्रॉब्लम को देखते हुए ही ऐड करते हैं। इन टैबलेटों को आप डेली रूटीन में ना लें। यह टैबलेट डॉक्टर के बताए हुए समय तक ही लें और बताई हुई mg तक ही लें, क्योंकि कभी कभी लोग इन टैबलेटों को लेते हैं और फिर वह mg बढ़ाने लगते हैं जिससे वह इन टैबलेटों के एडिक्ट हो जाते हैं, फिर वह बाद में इन टैबलेटों को छोड़ नहीं पाते हैं और इन टैबलेटों को खाने के बाद ही उनको नींद आती है। तो ऐसा ना करें, डॉक्टर के बताए हुए समय पर ही लें। उम्मीद करते हैं हमारी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।